ओके तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे आप लोगों से फिर से मिलके बहुत अच्छा लगा। और आज का ये वीडियो है एक एप्लीकेशन, वो भी एक एसएमपी के लिए। एसएमपी का नाम है पीस फायर एसएमपी। और हाँ, एक एसएमपी में एप्लीकेशन डालने के लिए चाहिए रहती है आपको स्किल्स। मेरे पास क्या क्या स्किल्स है वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और अगर कोई पीस फायर एसएमपी का बंदा दिख रहा है, देख रहा है, और मैं अगर सेलेक्टेड हूँ तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलते हैं सबसे पहले स्किल की तरफ, पार्कोर पे। ओके तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पार्कोर पसंद आया होगा, और अगर कोई बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है तो माफ़ करना। अब चलते हैं दूसरे स्किल पे जो है बिल्डिंग, और मैं बना रहा हूँ एक छोटा सा नेदर पोर्टल। सो देखो और पता लगाओ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे पार्कोर और बिल्ड्स पसंद आए होंगे। और अभी आगे बात करते हैं पीवीपी की। तो देखो, पीवीपी अभी मुझे उतने अच्छे से नहीं आती, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। पर मैं एक आप लोगों को वादा या फिर दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं कुछ दिनों में पीवीपी सीख जाऊँगा। और ये एक छोटा सा डेलाइट डिटेक्टर जो कि मैंने बनाया था इसी एप्लीकेशन के लिए, कि ये दिखाने के लिए कि मैं ट्रैप भी बना सकता हूँ अच्छा सा। तो ये डेलाइट डिटेक्टर है जो कि आप अपने वर्ल्ड में कहीं भी हो, आपको इस जगह जहाँ पे आपने इसको बनाया है, बस आपके टाइम चेंज होते ही, वर्ल्ड का टाइम चेंज होते ही आप वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो आज का ये वीडियो इतना ही है। अगर मैं सिलेक्टेड हूँ तो पीस फायर एसएमपी के मेंबर मुझे कमेंट में बता दें। और बाकी अपने चैनल की बात करूँ तो मैं आने वाला हूँ बहुत जल्दी अपने सर्वाइवल और थोड़ा एंटरटेनिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।